हेलो बच्चों, सीबीएसई 2022 क्लास 12th का सिलेबस आ चुका है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th सीबीएसई 2022 का सिलेबस। तो हमने ये देखना है कि टर्म 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 12th टर्म वाइज एग्ज़ाम्स के अंदर आपका वही 90 मिनट्स का पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, और 40 मार्क्स टोटल कवर हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 18 मार्क्स कवर अप हैं, और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आपको 22 मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें आप ये बात साफ साफ देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कम है और इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा है। यहाँ साफ समझ में आ रहा है 18 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं एंड 22 मार्क्स इंडियन इकोनॉमी के हैं। और इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टर्म वन के अंदर जो आपके चैप्टर्स कवर हैं वो है मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो चैप्टर्स कवर अप हैं वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, और एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसके आगे के पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट है, यानी आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर रूरल डेवलपमेंट तक कवर किया गया है, और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट तक कवर किया गया है। और यहां पर 6-6 मार्क्स, यानी मनी एंड बैंकिंग के लिए भी 6 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट के लिए भी 6 मार्क्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी 6 मार्क्स दिए गए हैं। तो यानी ये तीनों चैप्टर्स आपके 6-6 मार्क्स के हिसाब से टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स 18 मार्क्स की कवर होगी। और देखिए बेटे, आप बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप जैसे कि देख सकते हैं ये तीनों चैप्टर, जो इंडियन इकोनॉमी के जो तीनों चैप्टर हैं, शुरुआत के तीनों चैप्टर जो हमारे तीन फेजेज हैं इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम के, तो जिसमें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और 1950 से 1990 और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों मिला के 12 मार्क्स का है। और करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 10 मार्क्स के हैं। एज सच आपका कोई मेजर चेंजेस नहीं है इसके अंदर, कोई एज सच कोई पोर्शन डिलीट नहीं किया गया, ना कुछ एडिशन किया गया। तो आपके जो मार्च का सिलेबस था पिछले साल का, वही सिलेबस आपका अब की बार भी दिया गया है। तो हालांकि अपन इसके अंदर एक बार डिटेल डिस्कशन और कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके देखिए दे रखा है कि आपको एक ही प्रोजेक्ट इसके अंदर देना होगा, और आगे बताया गया कि टर्म वन के अंदर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या चीज़ पढ़नी है, मनी सप्लाई, मीनिंग, मीनिंग मनी का, मनी सप्लाई पढ़ना है, और करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन पढ़ना है आपको, सेंट्रल बैंक उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो ये सारी चीजें आपकी मनी एंड बैंक के अंदर कवर हो जाएंगी। तो ऐसा सारी चीजें कवर हैं, इसके अंदर कोई चीज ऐसा डिलीट नहीं है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट बजट में उसका आपको मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, कॉम्पोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसके आगे बात करें तो गवर्नमेंट बजट के अंदर आपको गवर्नमेंट डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और उसके मीनिंग पढ़ने हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तो आपको उसका मीनिंग और उसके कॉम्पोनेंट पढ़ने हैं। कॉम्पोनेंट के अंदर एक तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आ गया, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है इसमें। और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स और मैनेज्ड फ्लोटिंग का टॉपिक कवर है। और अब बात आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, मेन फीचर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, इंडस्ट्रियल के बारे में आ गई बात, फॉरेन ट्रेड के बारे में आ गई। तो ये सारी बातें इसके अंदर कवर होंगी। और हम इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 इसकी बात करें तो यहां पर फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा,
कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ये आपको ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए बेटे, बात करें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के अंदर, पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, क्रिटिकल असेसमेंट, ये ही इंक्लूड है इसके अंदर पॉवर्टी वाले चैप्टर में। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें है ह्यूमन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, किस तरीके से पीपल रिसोर्स बनते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीजें कवर होंगी। और रूरल डेवलपमेंट में की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, तो ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर कवर है आपके फर्स्ट टर्म के अंदर। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।